के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट के अबाउट कि वर्डप्रेस के अंदर जो ऑप्शन हमें नजर आता है पोस्ट का डैशबोर्ड के अंदर उसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एहसान दानिश। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पोस्ट के अबाउट कि वर्डप्रेस के अंदर जो ऑप्शन हमें नजर आता है पोस्ट का डैशबोर्ड के अंदर उसका क्या मतलब है और उसके बारे में हम आज डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मजीद इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर ये कॉन्टेंट्स हैं कि पोस्ट होती क्या है, पोस्ट के अंदर जो कैटेगरी का ऑप्शन है वो क्या है, पोस्ट के अंदर जो टैग्स का ऑप्शन है वो क्या है और हम किस तरह से एक जो है पोस्ट ऐड कर सकते हैं पोस्ट के सेक्शंस के अंदर जाके, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पोस्ट होती क्या है। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे गए होंगे और वहाँ पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट ब्लॉग्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, लोगों ने जो साइट का एडमिन है उसने पोस्ट की हुई है कोई पार्टिकुलर। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक अपने दोस्त की वेबसाइट ओपन कर लूँ, लेट्स से jahid.dev, और यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ ब्लॉग्स के अंदर तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो ये कंप्लीट पोस्ट है, राइट, जिसके अबाउट इन्होंने डिटेल के अंदर लिखा हुआ है कि ब्लू होस्ट का जो है रिव्यू और उसके अबाउट सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से आप इसको बाय कर सकते हैं और कंप्लीट। तो ये बेसिकली एक पोस्ट है जो इसने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए बैकएंड से इस वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसने पोस्ट की है जो कि फ्रंट एंड पे नॉर्मल यूजर्स को शो हो रही है। तो बेसिकली आपको समझ आ गई होगी कि पोस्ट होती क्या है। कोई भी कॉन्टेंट हम पोस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ओके, आपको समझ आ गई पोस्ट क्या होती है एक्चुअल में। तो दूसरे पास हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरीज, राइट। तो कैटेगरीज यहाँ पे देखें, अगर हम ऑप्शंस के अंदर आए, ऐड न्यू को हम बाद में डिस्कस करते हैं, कैटेगरीज के ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो बेसिकली कैटेगरीज हमारे पास वो होती हैं कि हमने कॉन्टेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर पोस्ट करना है। लेट्स सपोज आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे गए होंगे, जैसे अगर मैं कोई न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर लूँ, लेट्स से मैं न्यूज़ साइंटिस्ट, लेट्स सपोज ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के रेलेवेंट अगर आपको स्टडी करना है, देखना है, कोई आर्टिकल पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आर्टिकल्स मिलेंगे वो टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट मिलेंगे। अगर स्पेस या फिजिक्स के रेलेवेंट पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और तमाम जो पोस्ट या आर्टिकल या कंटेंट आपको नजर आएगा वो फिजिक्स से रेलेवेंट नजर आएगा। तो इसको हम कहेंगे मतलब कैटेगरीज, राइट। तो इस तरह से हम कैटेगरीज बना सकते हैं और उन डिफरेंट स्पेसिफिक कैटेगरीज को फ्रंट एंड पे शो करवा के उनके अंदर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक सी जो कैटेगरी वो डिजाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी बनाता हूँ टेक्नोलॉजी, ओके, और यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड न्यू, और यहाँ पे देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है, राइट। उसके बाद अभी मैं इसको इसके अंदर एक पोस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ टैग्स भी ऑलमोस्ट जो है वो SEO के अंदर थोड़े से हेल्पफुल साबित होते थे, लेकिन अभी इनका कोई खास रोल नज़र नहीं आता। लेकिन टैग्स भी ऑलमोस्ट कैटेगरीज की ही तरह होती हैं, जिनके अंदर लेट्स सपोज आपने एक आर्टिकल लिखा है टेक्नोलॉजी की अबाउट और उसके नीचे आप टैग्स डाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी इंडिया, टेक्नोलॉजी US, मतलब जो कि उस पार्टिकुलर पोस्ट को सपोर्ट कर रहे हो या उसके अबाउट टैग्स हो, राइट। तो इनको हम टैग्स कहते हैं और इनको भी हम सिमिलरली जैसे कैटेगरीज बनाते हैं उसी तरह से ही टैग्स लगाते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक पाकिस्तान, ओके, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टैग भी बन गया। तो चलें अब हमारी बारी आ जाती है कि हम एक नई पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं और उसको करने का क्या तरीका कार है। तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे ऐड पोस्ट पे, ऐड न्यू पे, और हमारे पास कुछ जो है इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा जिसके अंदर हम जस्ट टाइटल लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, जो भी इमेजेस या वीडियोस या कुछ भी उसके अंदर एंटर करनी है वो सारा कुछ ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखें टाइटल मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टेस्टिंग पोस्ट, ओके। तो यहाँ पे और इसके नीचे मैं इसका कंटेंट लिखूंगा कि जो भी मुझे इस आर्टिकल के अबाउट लिखना होगा। लेट्स से मैं यहाँ से कोई कंटेंट बेसिकली थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ,
जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ राइट, जो कुछ भी मुझे लिखना है वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखें, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं पोस्ट के अंदर, कि इस स्पेसिफिक कैटेगरी को, इस स्पेसिफिक पोस्ट को मुझे किस कैटेगरी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे मेरे पास वो कैटेगरी शो हो जाएंगी जो कैटेगरीज मैंने वहाँ उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए बनाई थी राइट। तो मैं टेक्नोलॉजी के अंदर पोस्ट करना चाहता हूँ और इसके अंदर टैग्स कौन से असाइन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं लिखता हूँ लेट्स पोस्ट टेक पाकिस्तान। देखें वो जो टैग हमने बनाया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और भी टैग्स मैं खुद से यहाँ से भी डाल सकता हूँ और यहाँ से भी मैं कैटेगरी बना सकता हूँ, और वो ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी मैं कैटेगरी बना सकता हूँ राइट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे परमा लिंक है। परमा लिंक बेसिकली हम कहते हैं इस URL को, इस पोस्ट का जो URL बनेगा, लेट्स सपोज milkcanvas.com/thisistestpost राइट right? इस तरह से जैसे अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये jahid.dev/blog/bluehost-review। अब ये टोटल जो है ये एक टोटल परमा लिंक है राइट, URL हम इसको कहेंगे। तो अभी हम लेट्स से इन कैटेगरीज का आपको समझ आ गई। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर फीचर्ड इमेज का। तो ये फीचर्ड इमेज क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं वापस जाऊँ बैक पे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक मेन इमेज नज़र आ रही है ये वाली, तो इसको हम कहेंगे फीचर्ड इमेज ओके, जो कि हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इमेज मैं जस्ट सिंपल क्लिक करता हूँ और अपलोड करता हूँ कोई भी इमेज, तो वो यहाँ से मुझे कोई भी इमेज मैं पोस्ट कर सकता हूँ इसके ऊपर। लेट मी जस्ट फाइंड सम पिक्चर, लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन, और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें ये इसका कवर पिक्चर बन गया, बेसिकली फीचर इमेज को हम कवर पिक्चर कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्सर्प्ट है कि आप इस पोस्ट के अबाउट थोड़ा सा लिख दें कि यार बेसिक सा एक दो लाइन जो कि फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी ओके। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्कशंस का ऑप्शन है कि आप इस पोस्ट के ऊपर लोगों को अलाउ करते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस पे ट्रैक बैक्स कर सकते हैं, पिंग बैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी ऑलमोस्ट उसी डिस्कशन या कमेंट्स की ही फॉर्म में आ जाते हैं राइट। तो ये वाले कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, तो यहाँ पे अभी कोई ब्लॉग नहीं है, यहाँ से हम डिफरेंट ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पिक्चर ऐड करनी है, तो मैं इस पिक्चर वाले ब्लॉग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिक्चर, इस पोस्ट के अंदर मैं पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ। ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई और इसको मैं लेट्स से इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मजीद और ऑप्शंस आ गए। तो अप्लाई ड्यू टोन फिल्टर, यहाँ से फिल्टर्स भी आप इमेजेस पे ऐड कर सकते हैं राइट, डिफरेंट फिल्टर्स हैं यहाँ पे, और इसको इसके ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं, इसको इसकी पोजीशन जो भी है वो चेंज कर सकते हैं, फुल विड्थ कर सकते हैं इसको, या इसको आप कर सकते हैं सेंटर अलाइन सेंटर, और इस तरह से मतलब इनके साथ कम्प्लीटली प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे ऐड किया, यहाँ इस ब्लॉक के अंदर भी उसी की मजीद सेटिंग्स आ गई हमारे पास राइट, कि कितना साइज होना चाहिए इमेज का, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, रेडियस क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने रेडियस इसका बढ़ाया तो कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड हो गए। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है इस कोर्स आउटलाइन के अंदर कि एडिंग पोस्ट विद द विजुअल एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपनी पोस्ट को ऐड करने के लिए, तो हम इसको थोड़ा सा विजुअली सेटअप कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ वापस वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पे जाता हूँ मैं प्लगइन्स के अंदर। अभी मैंने प्लगइन्स आपको डिटेल के अंदर नहीं बताया, आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊँगा, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ नाउ आप जस्ट यहाँ पे एक डिसेबल गुटेनबर्ग एक प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे सेम इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने सर्च किया, इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना है मुझे, और बस मुझे इतना ही करना है, और उसके बाद जब मैं यहाँ पे पोस्ट में जाऊँगा, ऐड न्यू में जाऊँगा, तो मेरा पूरा इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो चुका होगा जस्ट लाइक वर्ड ओके। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया राइट, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, यहाँ पे टूल्स हैं मेरे पास जैसे वर्ड्स के अंदर होते हैं, मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं लेट्स से इसके ऊपर मुझे लिंक लगाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिंक लगा दूंगा जहाँ पे मुझे इसको रीडायरेक्ट करवाना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेट्स सपोज इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा सिलेक्ट करने के बाद। इसका मुझे कलर चेंज करना है, इसके ऊपर लाइन लगानी है,
देखें तो लाइन आ गई, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगानी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, इस तरह से कटआउट का निशान। तो ये जो है इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप अपना पोस्ट वो है डिज़ाइन कर सकते हैं। और सेम वही ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आ गए, बहुत अच्छे तरीके से कैटेगरीज हो गई, टैग्स हो गए, टेम्पलेट्स को आप छोड़ दें और फीचर्ड इमेज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये परमा लिंक है, ओके। इस परमा लिंक को हम जैसे ऐड करेंगे टाइटल टेस्टिंग पोस्ट, और मैं चाहता हूँ इसका URL भी यही बने, तो मैंने इसका परमा लिंक यहाँ से ये सेट कर दिया। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा और फ्रंट एंड के ऊपर जाके देखूंगा तो ये पब्लिश हो चुकी होगी, और फ्रंट एंड नॉर्मल यूजर्स के लिए यहाँ पे ये शो हो चुकी होगी, राइट। कोई भी यूज़र आएगा, इस पर क्लिक करेगा और इसके में जो भी मैंने कंटेंट डाला है उसको पढ़ सकेगा और उसके ऊपर कमेंट कर सकेगा या कुछ भी कर सकेगा, राइट। नाउ फ्रंट एंड हमने अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ, इस वजह से ये रैंडम पोस्ट ही नज़र आ रही है, क्योंकि जिसमें आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद इस फ्रंट एंड को हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, तो अभी जिसमें आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ आई होगी कि पोस्ट का क्या काम है और किस किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको, आप इससे मजीद थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलें और इसके अंदर कंटेंट ऐड करें, इमेजेस यूज़ करें और फ्रंट एंड पे देखें आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो शो हो रहा है कि नहीं। इट्स वेरी इजी, आपको अगर वर्ड आता है तो ये भी आता है, ये बहुत ही बेसिक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिटेल के अंदर हम बात करेंगे मीडिया के ऊपर। Till then, keep learning, keep exploring. Allah Hafiz.